सुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खसरा रुबेला टीकाकरण महाअभियान का आगाज, 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को लगेगा टीका। अनुपगढ़ के भेड़ता झील तक पहुँचे घर घर का पानी, अनुपगढ़ सुरगढ़ क्षेत्र के किसान के मुख्य अभियंता का घेराव। कल के बाद आर पार का होगा संघर्ष, सड़क पर होगा किसानों का फैसला। परिवहन विभाग और निजी शिक्षण संघ की संयुक्त बैठक, नियमों की पालना को लेकर मिलेगा 1 महीने का समय। अब खबरें विस्तार से। खसरा रुबेला टीकाकरण महाअभियान का आगाज सोमवार को हुआ। अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन स्थित VM स्कूल में हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों के टीकाकरण करने के साथ साथ अभियान को लेकर जानकारी दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर मीजल्स रूबेला बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए चलाए जाने वाले MR टीकाकरण महाअभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत व्यापार मंडल गर्ल्स स्कूल से हुई। अभियान में कलेक्टर जाकिर हुसैन, CEO परशुराम धानका, PRO सुरेश बिश्नोई, CMHO डॉक्टर अरुण कुमार, PMO डॉक्टर MP शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर व अन्य अतिथियों ने टीकाकरण कक्ष का अवलोकन किया। वे सभी टीकाकृत हुए बच्चों से मिले और मीजल्स रूबेला टीकाकरण कार्ड बच्चों को सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सीय स्टाफ से बात की और टीकाकरण कक्ष की व्यवस्थाएं भी देखी। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि मीजल्स रूबेला टीकाकरण महाअभियान विद्यालयों व अभिभावकों की जागरूकता से ही सफल होगा। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की कि लगभग 1 माह तक चलने वाले इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए अपने 9 माह से 15 तक के नौनिहालों को टीकाकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि खसरा रुबेला जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए इस टीकाकरण अभियान को हर हाल में सफल बनाना है। अंदर खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे व्यापार मंडल स्कूल से हमने इसकी शुरुआत की है और जिले के सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और मदरसों में इसको लगाया जा रहा है। इसमें शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, इन सब का बड़ा रोल है और सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं। चिकित्सा विभाग ने काफ़ी व्यापक इंतजाम इसमें किए हैं और भारतवर्ष में 29 राज्यों में पहले से ही लागू हो चुका है। राजस्थान में अभी अपने आप पूरे राज्य के अंदर लागू किया गया है और ये चलेगा, 6 हफ्ते तक चलेगा, 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को सबको टीकाकरण किया जाएगा। जो 2 गंभीर बीमारी हैं खसरा और रुबेला, उनसे इससे बचाव होगा। मैं जिले के सभी नागरिकों से ये आह्वान करता हूँ कि वो अपने अपने बच्चों को लाएँ और सबका टीकाकरण करवाएँ और इन जानलेवा बीमारियों से उनको निजात दिलाएँ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए CMHO ने कहा कि जिले में अभियान के तहत 9 माह से 15 साल तक के 5,11,191 बच्चों को निजी व सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों सहित ईंट भट्टों व ढाणियों में खसरा रुबेला का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खसरा रुबेला का टीका एक बहुत सुरक्षित टीका है, पिछले 40 वर्षों से इसका उपयोग हो रहा है। मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत जिले के 7 खंडों में शिक्षण संस्थानों में इंजेक्शन लगाए गए। चिकित्सीय टीमों ने हनुमानगढ़ में 58 स्कूलों में 10,256 बच्चों का टीकाकरण किया। इसी तरह भादरा में 68 स्कूलों में 9,383 बच्चों के, नोहर के 64 स्कूलों में 7,142 बच्चों, पीलीबंगा के 40 स्कूलों में 4,293 बच्चों के और रावसर के 92 स्कूलों में 5,645 बच्चों, संगरिया के 19 स्कूलों में 3,145 और टिब्बी के 26 स्कूलों में 5,170 बच्चों के टीकाकरण किया गया। कुल मिलाकर बात करें तो आज 327 स्कूलों में 45,034 बच्चों का टीकाकरण हुआ। और ये संक्रमण डिजीज एक दूसरे से फैलती है, खांसी से, छींक से, नाक से, गंदे पानी से, सबसे ये रोग फैलता है। और मिजल्स के साथ रुबेला में तो और ही खराब बात ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज में ये बीमारी हो जाती है और 20 वीक से कम का बच्चा होता है पेट में तो उसको कंजेंटल रुबेला हो जाता है और उससे बाद में अगर वो उस लेडी को बीमारी होती है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आँख दिखना भी उसको बच्चे को दिख रहा नहीं, ऐसे हो सकता है। कान की बीमारी हो सकती है और हृदय की बीमारी हो सकती है और उसके साथ कुछ और नई कंजेंटल डिजीज हो सकती है। और मैं डॉक्टर साहब आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों में बड़ी जागरूकता है। आपके आने से पहले थोड़ा सा प्रोग्राम किया था कि सरकार ने पोलियो की रोकथाम के लिए अभियान चलाया था, ठीक उसी तरह हमने खसरा रुबेला के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फर्क इतना है कि पोलियो में खुराक दी जाती थी जिसको आसानी से बच्चों को पिलवा दिया, देते थे 2 बूंद तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन खसरा रुबेला में क्योंकि इंजेक्शन लगाया जाता है इसलिए ये सारा जो है
टीम एच ओ साहब को धन्यवाद दूंगा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए हमारा कैंपस उन्होंने चुना। मैं माननीय जिलाधीश महोदय जो भी यहाँ लोग सेवा में अग्रणी है उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये कार्यक्रम माननीय जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सीओ साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ है हम उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे। वह जो भी हमसे जो ये 5-6 सप्ताह जितना भी इनका कार्यक्रम है जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम उनके लिए तन मन धन से तैयार। सारे राज्य में राजस्थान राज्य में खसरा रूबेला अभियान का टीकाकरण अभियान जो चालू हुआ है शुभारम्भ किया जा रहा है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को आज जैसे टारगेट मिला है 5,11,191 बच्चों का लक्ष्य है, ये हम 6 वीक्स में पूरा करेंगे। पहले 3 सप्ताह हम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, केंद्रीय स्कूल्स, नवोदय स्कूल्स, मदरसा स्कूल्स में लगाएंगे। दूसरे 2 सप्ताह हम आउटरीच सेशन आंगनवाड़ी सेंटर्स पर लगाएंगे, फिर मोबाइल टीम्स भी लगाएंगे। अभी जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक जो हमारी डीएच जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 8 बजे से लेके और 2 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा और उसमें एमआर का टीका लगाया जाएगा। और इसमें ये बात है कि जो टीका तो लगता है और एक स्पेशल प्रकार का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो अलग से प्रिंटेड है रंगीन है वो इसको दिया जाएगा। अनुपगढ़ सुटगढ़ क्षेत्र की किसाना सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे और मुख्य अभियंता का घेराव कर नाली बेल्ट में निर्धारित रेगुलेशन के मुताबिक पानी छोड़ने की मांग की गई ताकि अनुपगढ़ तक पानी पहुंचे और उस इलाके के किसान बाहर हो सके। किसानों ने चीफ इंजीनियर कार्यालय में धरना दिया और सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष जताया। किसानों की परेशानी मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। पानी होगा तो किसानों की फसलें पकेंगी, फसलों को बहाल करने के लिए पानी जरूरी, लेकिन कभी भाखड़ा तो कभी इंदिरा गांधी नहरों में रेगुलेशन को लेकर किसान लामबंद होते हैं। लेकिन अब नाली बेल्ट में भी पूरा पानी छोड़ने की मांग को लेकर अनूपगढ़ से जैसर क्षेत्र की किसान सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे। किसानों की मांग है कि 24 आरडी से जो पानी सेमनाला में छोड़ा जा रहा है उसे सेमनाला के बजाय नाली बेल्ट में यानी घग्गर में छोड़ा जाए ताकि उससे 150 किसानों को फायदा मिल सके। किसानों का कहना था कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण वर्ष 2002 में निर्धारित रेगुलेशन की भी अनदेखी करते हुए सिंचाई विभाग नाली बेल्ट में पानी छोड़ने के बजाय सेमनाला में पानी छोड़ व्यर्थ बहा रहा है। किसानों ने कहा कि किसानों को बहाल करने के लिए अनूपगढ़ की भेड़ताल झील तक पानी पहुंचाया जाए, जिसके लिए जरूरी है 24 आरडी से पानी की मात्रा बढ़ाई जाए। किसानों ने साफ साफ कहा कि यदि मंगलवार को पानी नहीं बढ़ाया गया यानी अनूपगढ़ की भेड़ताल तक पानी नहीं पहुंचाया जाता तो सूरतगढ़ अनूपगढ़ रोड को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में जैसर से लेके विजयनगर अनूपगढ़ तक अगर इसलिए आए हो कि हमारा हक हमारा पानी अनूपगढ़ अंतिम छोर तक पहुंचे, अरे रास्ते के अंदर आप सरदारगढ़ में ये टीम जाके आई, अगर फार्म में जाके देखो रास्ते से निकल के आए हो सूरतगढ़ के पुल के पास नाली की धार है 3 बीघे की। नाली बेल्ट के किसान अनूपगढ़ से लेके जैसर क्षेत्र के सारे इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। हमारी मांग ये है कि जो 24 आरडी से जो पानी सेम नाले में छोड़ा जाता है वो सेम नाले में ना छोड़कर नाली बेड के अंदर छोड़ा जाए, जिससे वहाँ के 150 गांव उसका लाभ ले सकें और जो वहाँ का जो वाटर लेवल है जो ट्यूबवेल है वो रिचार्ज हो सकें। सिंचाई विभाग अपनी सिरदर्दी और लापरवाही के कारण ये करता है कि जो पानी नाली बेड में जो उसकी कुदरती धार है उसमें ना छोड़कर सारे का सारा पानी या कम मात्रा में पानी नाली में बेड में छोड़ा जाता है और ज़्यादा मात्रा का पानी GDC में यानी सेम नाले के अंदर छोड़ के व्यर्थ बहा दिया जाता है। सन 2002 के अंदर नाली के पानी का रेगुलेशन बना था, सिंचाई विभाग उस रेगुलेशन को तोड़ के पानी सेम नाले में बहा देता है, ना कि नाली बेड में उसको किसानों को दिया जाता है। इस बाबत आज हम यहाँ चीफ साहब के दफ्तर का घेराव करने के लिए लगभग 250 किसान इकट्ठे हुए हैं। अगर आज हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारी मांग ये है कि अनूपगढ़ के भेड़ताल झील तक पानी नाली का पानी पहुँचाया जाए। अगर हमारा पानी आज नहीं पहुँचाया जाता या पानी नहीं बढ़ाया जाता यहाँ से 24 आरडी से, तो कल से हम अनिश्चितकालीन के लिए
सूरतगढ़ अनूपगढ़ रोड पर चक्का जाम शुरू करेंगे और जब तक वो चक्का जाम तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा पानी हमारी मांग अनुसार नहीं बढ़ाया जाता। उधर 754 के किसान धरने जारी है। तहसीलदार किसानों के पास धरना स्थल पर पहुंचे और किसी कारण से एमडी के नहीं आने पर कल तक के लिए समय मांगा गया। इसके बाद किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। 754 के किसानों का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना जारी है। बताया गया कि आज किसानों से मिलने के लिए सड़क निर्माण कंपनी के एमडी को आना था लेकिन वे किसी कारणवश नहीं पहुंचे, इसलिए तहसीलदार ने किसानों से वार्ता कर कल तक के लिए समय मांगा है। किसान नेताओं का कहना था कि यदि कल किसानों की मांग को लेकर कोई सुनवाई होती है तो ठीक, इसके बाद किसान आंदोलन की रणनीति तय करेंगे और मेगा हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान पंजाब हरियाणा की तर्ज पर और मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज हमारा ये था इसकी 754 के इंडिया के हमसे वार्ता करेगा लेकिन किसी कारणवश उसने ये दर्शाया है कि मैं मेरे जो सुपर हैं उनसे बात करके तय करके हुआ भी जमीनों को किस तरीके से भाव देना है, किस तरीके से उसका खाड़े का करना है, किस तरीके से जो पानी की व्यवस्था करनी है, रास्ते की व्यवस्था करनी है, वो इस चर्चा करने के लिए जयपुर गया हुआ है। एमडी तो भी तहसीलदार जी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने कहा है कि आप आज 2:30 बजे तक मेरे कहने से कल 2:30 बजे तक रुको। अभी वो हमारे बीच में आए भी थे और कह के गए अगर कल 2:30 बजे वो कुछ नहीं करते हैं, कल 2:30 बजे के बाद हम रणनीति हमारा एक ही फैसला होगा कि हम लगातार सड़क जाम करेंगे, उस सड़क को नहीं खोलेंगे। मेगा हाईवे जो जयपुर तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, उसको बंद करेंगे। हम कल कोई आश्वासन नहीं चाहेंगे, कल के बाद कोई आश्वासन नहीं, शासन आश्वासन मुकाबला सड़कों पर होगा। परिवहन विभाग और निजी शिक्षण संस्था संघ में चल रही खींचातानी के बीच आज विभाग और स्कूल संचालकों के संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें बाल वाहिनियों को लेकर नियम कानूनों पर चर्चा की गई। गौरतलब रहे कि परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बसों के चालान करने के बाद स्कूल संचालकों ने रुख जताया था। परिवहन विभाग और निजी स्कूल संचालकों के बीच स्कूली बसों को लेकर चल रही खींचतान के चलते आज परिवहन विभाग और स्कूल संचालकों की संयुक्त कार्यशाला जाट धर्मशाला में हुई। बैठक में परिवहन विभाग की ओर से उन नियम कानूनों को लेकर जानकारी दी गई जो स्कूल संचालकों को स्कूली बसों को लेकर जरूरी है। निजी स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों हुए चालान पर विभाग ने माना कि प्रेशर में यह चालान कर दिए गए हैं। आज परिवहन विभाग और निजी शिक्षण संस्था संघ संयुक्त कार्यशाला के रूप में हमें एकत्रित हुए। हमारी एक ग्रीवेंस थी, पिछले दिनों चालान किए गए और चालान भी ऐसे हुए, खाली गाड़ियों के चालान कर दिए गए समस्त कागज होते हुए। वो उन्होंने इस मीटिंग में स्वीकार भी किया है कि कुछ हमारे अधिकारियों को जिनको पूरा या तो प्रेशर होगा या कोई उनके सामने समस्या होगी तो उनको अभी देखेंगे। उसके बाद हमारे किस तरह से टैक्स हम पे लग रहा है, हमारे कौन कौन सी गाड़ियों को हम इसमें लगा सकते हैं, ये सारी समस्याएँ हम इनके सामने रखी गई हैं और हम निश्चित तौर से उनके इंस्पेक्टर तोमर साहब और डी टी ओ साहब देवानंद जी उपस्थित, तो उन्होंने कहा है हम जितना भी है आपको पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन ये है कि उन्होंने जो चालान किए सरकार के दबाव में चालान कर दिए और जुलाई के महीने में और खाली गाड़ियों के चालान कर दिए। आपके पास कोई कमी है ठीक है आप चालान करिए, इनका विवेकाधिकार है, लेकिन चालान जब पूरी गाड़ियाँ जिनके कागज़ पूरे हैं, बच्चे खाली गाड़ी है उसके बाद ही उसमें बच्चे आप दिखा रहे हैं और चालान कर रहे हैं, वो थोड़ा उससे हम उद्वेलित हुए और इन्होंने इसको रियलाइज़ किया है, निश्चित तौर से हमें राहत मिली। निजी स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि विभाग की ओर से खाली गाड़ियों के चालान किए गए। नियमानुसार कार्रवाई तो जरूरी है लेकिन खाली बसों के चालान कर स्कूल संचालकों को बेवजह परेशान किया गया था। वहीं पैनिक बटन लगाने को लेकर स्कूल संचालकों ने साफ इनकार कर दिया है। शर्मा ने बताया कि वे पैनिक बटन का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि पैनिक बटन को लेकर BSNL के साथ विभाग का टाई अप होना है जो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल पैनिक बटन मात्र खिलौना है जिसका वे विरोध करते हैं। शर्मा ने कहा कि फिलहाल GPS सिस्टम चालू है और जब तक पैनिक बटन सिस्टम में शुरू नहीं होता तब तक वे इसे नहीं लगवाएंगे। पैनिक बटन के बारे में कह रहे हैं कि ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसमें पैनिक बटन लगाना आवश्यक है, लेकिन वार्ता चल रही है कि इनका जो सर्वर है BSNL का, BSNL के साथ इनके सर्वर जो है कनेक्ट होना था, BSNL के साथ अभी इनका टाई अप नहीं हुआ है। अगर पैनिक बटन लगाते हैं खिलौने के रूप में और उसका पता नहीं वो कब तक उनका टाई अप होगा और कब तक लगेगा, इसलिए हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि पैनिक बटन हम जब तक नहीं लगाएंगे क्योंकि तो हमारे पास GPS है, तो पैनिक बटन जब तक लगाएंगे जब तक कि पैनिक बटन BSNL के साथ टाई अप नहीं हो जाता और पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू नहीं कर देता है, हम निश्चित तौर से गारंटी देते हैं
कि जब पैनिक बटन की आवश्यकता होगी सारी संस्था उसका। कुल मिलाकर स्कूल संचालकों को उन नियमों का पालन करना जरूरी होगा जो स्कूली बसों को लेकर निर्धारित किए गए हैं। इस मौके पर डीटीओ देवानंद ने कहा कि इसके लिए स्कूल संचालकों को एक महीने का समय दिया गया है ताकि वे अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। वहीं उन्होंने कार्यशाला के दौरान हनुमानगढ़ को रोल मॉडल बनाने की बात कही। जिला है वो रोल मॉडल के रूप में काम करे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी कई मामलों में कई स्तर पर कई बातें हैं। मैं चाहता था कि वो चीजें बीच के आएंगे, डायरेक्ट अपन बात करें, अपन ही अपन उसका सॉर्ट आउट करें। यही वजह है कि फिर मैंने छुट्टियों में बात करी तो फिर बोले सर अभी शुरू खुल जाती है, दूसरे बात में फिर हमारे लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरी मैंने कहा कि आप आओ बेटर से बातचीत करें, क्या है क्या समस्याएं आती हैं, क्या दिक्कत आती है, मेरे लेवल पर क्या सॉर्ट आउट हो सकता है, मेरे ऑफिस में क्या आपके क्या समस्या आती है, उनको अपन कैसे सॉर्ट आउट कर सकते। ये चीज़ करके मैंने इनको लगभग 6 तारीख या 7 तारीख के आसपास मैंने बुलाया था सर, है ना। उस दौरान मैंने इनको ये कहा था, इनके सपने में भी नहीं सोचा था कि साहब मेरे को इस तरह रेस्पॉन्स देंगे या इस तरह से। मैंने ये कहा कि मेरी भावनाएं मूल रूप से आपसे जुड़ी हुई है। वहीं बाल वाहिनी समिति की बैठक एडीएम अशोक कुमार असीजा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में एडीएम ने स्कूल और कॉलेज में संचालित बाल वाहिनियों को लेकर निर्देश दिए कि सभी स्कूल और कॉलेज के संचालक बाल वाहिनियों में जो भी कमी है उसे 7 दिन में पूरा कर लें, उसके बाद कोई कमी पाई गई तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल वाहिनियों को लेकर जो भी नियम बने हैं वे सरकार स्तर और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर बने हैं, लिहाजा इनकी पालना हर हाल में की जानी चाहिए। इस अवसर पर डीटीओ देवानंद नायक ने बताया कि बाल वाहिनियों में जो भी कमी है उसको लेकर उनके कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिस पर आकर बाल वाहिनी संचालक संपर्क कर बाल वाहिनी के कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग इत्यादि की कमी पूर्ति करवा सकते हैं। एडीएम असीजा ने कहा कि बाल वाहिनी का मामला बच्चों से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बाल वाहिनी को लेकर 1998 में जारी किए गए आदेशानुसार उन्होंने स्कूल और कॉलेज संचालकों से कहा कि बाल वाहिनी का फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंजीयन, जीपीएस और पैनिक बटन लगा हुआ हो। साथ ही कहा कि ड्राइवर किसी भी सूरत में नशा किया हुआ नहीं होना चाहिए। स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरे, बाल वाहिनी पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, बस के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेल्पलाइन और वाहन का पंजीयन क्रमांक लिखा हो। भाजपा की ओर से चल रहे सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला संगठन प्रभारी जालम सिंह हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले भर में कई जगहों पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। टाउन में जिला संगठन प्रभारी ने मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक ली। देश में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर हनुमानगढ़ में इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला संगठन प्रभारी हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए मंडल अध्यक्षों के साथ मंडल प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। मंडल प्रभारी अभियान के लेकर निगरानी का काम करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा प्रभारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला संगठन प्रभारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य जोड़े जाएं, संगठन मजबूत हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी जोड़कर काम किया जाएगा। भादरा विधानसभा में एक बूथ पे गया, वहाँ मैंने सदस्यता अभियान की जो हमारी चल रही है अभी अभियान, उसमें वहाँ के सुचारू रूप से हमने उद्घाटन किया। उसके बाद मैंने रावसर किया और रावसर के बाद में मैंने किशनपुरा में किया है, यही हमारी सदस्यता अभियान का। आज हमने सिर्फ उन लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुलाया है जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं या विधानसभा के प्रभारी, उनको अलग अलग जो जिम्मेवारी हमें देनी है उस हिसाब से बुला रखा है। और ये सदस्यता अभियान हमारे 11 अगस्त तक चलेगा, उसके बाद हमारे सक्रिय सदस्य का अभियान का चलेगा। उसमें गति देने के लिए मैं अभी आया हूँ, आज मैं यही हूँ और कल भी यहाँ रहूँगा, तो कल शाम को मैं चलूँगा। और मेरा लगातार यहाँ आना जाना जब तक ये हमारे सदस्यता अभियान का चलेगा, यह आना जाना आज यही दिया है कि हमारे जो प्रभारी हैं विधानसभा के या मंडल के प्रभारी हैं, वो मंडल अध्यक्ष जो मंडल में जाए, मंडल अध्यक्ष के सहयोग के रूप में काम करें, बूथ तक पहुँचें, शक्ति केंद्र तक पहुँचें। और यही विधानसभा में, तो विधानसभा में जितने मंडल हैं और उस मंडल में विधानसभा प्रभार भी वहाँ जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ संगठन को गति देने के लिए और सदस्यता अभियान दोनों को गति देने के लिए मंडल के प्रभारी नियुक्त किए गए। मंडल अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग करने के लिए और उनकी देखरेख में
और मंडल प्रभारी को पूरे मंडल की जानकारी हो भाई कौन कौन सी संगठन की गतिविधियाँ चल रही है और कौन कौन सी गतिविधियाँ को आगे मूर्त रूप देना है। इसके लिए हमारे प्रभारी जिला प्रभारी भी आए हैं और हम सब मिलकर आज इसके मंडल प्रभारियों की और विधानसभा के भी प्रभारी नियुक्त किए हैं। विधानसभा का प्रभारी जितने उसके विधानसभा में मंडल आते हैं उनका वो सारा काम देखेगा संगठन का जो भी है, और मंडल प्रभारी अपने मंडल का जिस मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया वो संगठन की सारी गतिविधियाँ और जो हमारा मुख्य अब काम सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी भी पूरी निगरानी करेगा, उसको गति देने का काम करेगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi. महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। मगसर में चल रहे मनरेगा कार्य के दौरान अनियमितताओं को लेकर नरेगा कर्मी जिला परिषद पहुँचे और प्रदर्शन कर दोष जताया है। नरेगा कर्मियों का कहना है कि मेट्रो की मनमानी के चलते टास्क पूरा होने के बाद भी नरेगा कर्मियों को कार्यस्थल पर रोका जाता है। जिला परिषद पहुंची नरेगा कर्मियों ने मेट्रो पर मनमानी का आरोप लगाया। गांव मक्कासर से जिला परिषद पहुंचे नरेगा श्रमिकों का कहना था कि मौसम को देखते हुए समय में बदलाव किया जाए, इसके साथ ही 199 रुपए तय मजदूरी और फर्जी हाजिरी लगाने पर रोक लगी। नरेगा श्रमिकों ने ज्ञापन के जरिए एक्सन को कार्यस्थल पर छाया पानी मेडिकल व्यवस्था करने की मांग की। आज मक्कासर ग्राम पंचायत के जो मनरेगा के मजदूर हैं उन्होंने यहां जिला परिषद में प्रदर्शन किया है। गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव की मांग है। दूसरा, जो 199 रुपये मजदूरी तय कर रखी है वो मजदूरी आ नहीं रही है, कभी 117 रुपये, कभी 118 रुपये, कभी 122 रुपये, मतलब मजदूरों को पूर्व मजदूरी नहीं मिली। इसके साथ इन्होंने ये बात की है कि जो फर्जी तरीके से जो काम चल रहा है, फर्जी हाजिरियाँ लग रही हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर दवाइयाँ का, पानी की, छाएँ की, वो भी मांग रखी है, जिस पर अभी एन साहब ने और जिला परिषद CEO साहब से फ़ोन पर बात करके का अभी समस्या का हल करेंगे और स्पेशल एक टीम बना के इस संबंध में जांच करेंगे। जिला परिषद की एक्शन ने बताया कि श्रमिकों ने समय बदलाव, टास्क पूरा होने पर जाने देने सहित मेडिकल आदि को लेकर व्यवस्थाएं कर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। श्रमिकों को अनावश्यक परेशानी न हो इसके लिए पूर्णतः नियमानुसार बंदोबस्त करवाए जाएंगे। सर से नरेगा की लेबर आई है और इनकी कुछ समस्याओं के बारे में इन्होंने कहा है कि एक तो समय के बारे में ये कह रहे हैं कि हमें शाम को लेट तक छोड़ते हैं, जो कि अब हालांकि 15 जुलाई से राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय बदल गया था, लेकिन अब हमने अब दोबारा से कलेक्टर साहब को फाइल मूव कर दी। राज्य सरकार के भी निर्देश हैं, अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो समय पूर्ववर्ती अपने एक महीना तक रख सकते हैं। तो आज हम इसका स्थानांतरण कराकर और समय को पूर्ववर्ती कराने की चेष्टा करेंगे। और एक दो इनकी और समस्याएँ थी, एक इनका ये था कि अपना टास्क पूरा करके लेबर को जाने की इजाज़त होनी चाहिए, ये नियमानुसार ये सही है और इसके हम आदेश आज से पुनः प्रसारित करवा देंगे कि ये अपना कार्य पूरा करके पहले ही जा सकते हैं। गांव मक्कासर के 14 नंबर वार्ड में गली में हुआ अतिक्रमण से परेशान ग्रामीण एडीएम से मिले और गली में कब्जे में आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत समिति प्रधान के रिश्तेदार होने की वजह से प्रधान व सरपंच की मिले भगत के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, लेकिन जब गली अवरुद्ध होती है तो बार बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, पानी निकासी भी प्रभावित हो रही है। सर इसमें कार्रवाई थोड़ा सा
ग्राम पंचायत के ग्रामवासी इकट्ठे होकर आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। मक्कासर गांव में 30 साल से गली नंबर 10 जो कामरेड शोभन सिंह और चौधरी हरिराम के घर को जाती है, वो गली 30 फुट चौड़ी गली है मेन सड़क से लेके ग्वाड़ तक, और उसके बीच में रास्ते में 150 फीट 200 फुट के करीब कब्जा कर रखा है जो प्रधान के रिश्तेदार हैं। उन्होंने नाम बोल सकते राम निवास अनिल बांबू, उन्होंने मकान पे ये कब्जा कर रखा है, दीवार गली में दीवार निकाल रखी है। जो गली 30 फीट से पीछे से आ रही है उनके घर के पास जाके वो गली 11 फीट की हो रखी है, और गांव का जो सरपंच है वो चाहता है वहाँ पे 3-3 फीट की नालियाँ बन जाए। तो जब 11 फुट की गली में 3 फुट की नालियाँ 6 फुट की नालियाँ बन जाएंगी तो 5 फीट की जगह रहेगी, वहाँ पे निजी स्कूल बसों की बसें भी आवागमन है, वहाँ से गांव के लोग भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं, तो वहाँ से कैसे निकल पाएंगे? अगर सामने से बस आ रही है और इधर से कोई गांव की औरत बेचारी कोई हरा या कोई लकड़ी लेके जाएगी तो कहाँ से वो क्रॉस करेगी उस जगह को? तो गांव का सरपंच भी इस मिली भगत में है, गांव का सरपंच ये भेदभाव रखता है गाँव में, और जब उस सरपंच ने गाँव मक्कासर के गुरुद्वारे की जब दीवार वो तोड़ सकता है, गाँव में एक सुखमिंदर सिंह सरदार है बेचारे का, उसका घर तोड़ के उसने सारा घर तोड़ के बाहर ला के रख दिया, और गांव के गरीब जो लोग हैं उनके चौकी कुइयां तोड़ सकता है, तो वो उस दीवार को तोड़ने में उसको कहाँ से अड़चन आ रही है? क्योंकि वो वहाँ पे मिला हुआ है, खुद चोर है सरपंच, इस बात में निष्पक्ष काम नहीं करता, वो एक तरफ उन लोगों की मदद कर रहा है और गांव को आपस में लड़वा के मरवा रहा है वहाँ पे गली में। उस गली की 2 महीने से दयनीय हालत हो रखी है वहाँ पे, आदमी साधन की तो एक अलग बात, वहाँ से पैदल नहीं गुजर सकता आदमी, ऐसी हालत हो रखी है। और ये बरसात वहाँ पे हो गई तो लोगों के मकान गिरने की संभावना है, और हम प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि हम उसी शोपत सिंह के गांव के, उसी के खून में हमारे उसके हमारे में अंदर कामरेड शोपत सिंह का खून है, अगर ये प्रशासन ने हमारी बात को अनदेखा की तो वहाँ पे हम ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन को, वहाँ पे दिखा देंगे भी मक्कासर गांव का आंदोलन क्या होता है, और पहले भी दिखाया और अब आगे भी दिखा देंगे। ग्राम पंचायत निर्वाल में मैट और एलडीसी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि मैट और एलडीसी मिलकर लाखों का गबन करने में लगे हैं। पंचायत में भ्रष्टाचार के चलते विकास कार्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पंचायत समिति प्रधान को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। निर्वाल ग्राम पंचायत का मामला है जिसके अंदर मेट और वहाँ का एलडीसी मिली भगत से लगातार कई महीनों से ग्रामीणों के साथ जो है उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है, और लगातार बड़े जो नामविंदे हैं उनके साथ मिलकर के मिली भगत करके लाखों रुपए का गबन उस ग्राम पंचायत के अंदर किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार पंचायत समिति प्रधान और तहसीलदार को ज्ञापन देके इस बात को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। सो आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिला कलेक्ट्रेट को मिलने के लिए ग्रामीणों ने आज हम सब मिलकर कलेक्टर साहब से बात की है, और कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, भ्रष्टाचार जो लगातार पंचायत के अंदर हो रहा है उनको बंद नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर हम सब छात्रों को साथ लेकर के ग्रामीणों के साथ लेकर के इस कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना देंगे, और इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार होगी। आज फिर एक बार हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को जगाने का प्रयास किया। स्पिनिंग मिल मामले में लंबे चल रहे छप्पर श्रमिकों के समायोजन की मांग को लेकर आज मिल संघर्ष समिति सदस्य कलेक्टर से मिले। समिति सदस्य सौरभ राठौर ने बताया कि छप्पन श्रमिकों का समायोजन लंबे चल रहा है, इसमें बैठक हुई और धरने भी हुए, लेकिन अब जब अन्य श्रमिकों को नगर परिषद आदि कार्यालयों में लगाया जा रहा है तो बचे हुए श्रमिकों का भी समायोजन किया जाए। मानगढ़ की विरासत बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को चालू कराने के लिए और उसमें 737 श्रमिकों को VRS और रिवर्स डेपुटेशन के लिए लगातार 4 साल चले लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने हमारे 500 श्रमिकों को VRS दिया और हमारे 250 श्रमिकों का रिवर्स डेपुटेशन किया। उस दौरान 56 हमारे श्रमिकों के साथ सरकार के तत्कालीन सरकार के अधिकारियों के द्वारा गफलत करते हुए हमारे 56 साथियों को ये कहकर के अलग कर दिया कि भी इनकी 240 हाजरियाँ नहीं हैं, 240 हाजरियाँ जिनकी नहीं है उनको रिवर्स डेपुटेशन में शामिल नहीं किया जाएगा।
लेकिन उसके बाद में जब यहाँ इन लोगों ने आंदोलन किया, अमरण अनशन किया, तो उसके बाद में जब हम लोगों की वार्ता हुई प्रशासन के साथ में, तो उसमें ये बात साफ निकल के आई कि 2003 के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे श्रमिक थे इस मिल से, जिनकी किसी की 10 हाजरियाँ थी, किसी की 5 थी, किसी की 4 थी, और उनको अन्य विभागों में समायोजित किया गया था। तत्कालीन GM सुरेंद्र राजपुरोहित जी सहित उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने ये माना था कि भी वास्तव में जब इनका हो सकता है तो इन 56 श्रमिकों का भी जो इनको अलग किया गया ये गलत है, और इनका भी समायोजन जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इसके लिए ADM साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी उस समय गठन किया गया था, लेकिन अफसोस है कि अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पाया है। और हमारे जो 200 श्रमिक हैं, चूँकि वो नगर परिषद में और स्वसहायता संस्थाओं में, उनका हम समायोजन जल्द से जल्द करवा रहे हैं, इसलिए आज हम इस बात को लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि ये जो हमारे बकाया जो 56 श्रमिक हमारे रिवर डेपुटेशन के बचे हुए हैं, के लिए बचे हुए हैं, इनके भी समायोजन की प्रक्रिया की यहाँ से शुरुआत करवाई जाए। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं ज्ञानाराम जी से, राजफेड के जो MD है, उनसे बात करके और इनके भी रिवर डेपुटेशन की प्रक्रिया शुरू करवाऊँगा। यदि अगर किसी तरह की भी प्रशासन की तरफ से कोई कोताही होती है या कोई देरी होती है, तो निश्चित रूप से हम हर वो कदम उठाएंगे जो कि हमारे को उठाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर समुदाय जनित स्वच्छता को लेकर चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में प्रत्येक पंचायत से आए स्वच्छता ग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे पंचायत में जाकर स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन कर सके। मंशा से, भारत सरकार की मंशा से ये पंचायत समिति हनुमानगढ़ में जो 5 दिवसीय स्वच्छता ग्राही प्रशिक्षण रखा गया है, एक स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चालू है जिसमें प्रत्येक पंचायत से स्वच्छाग्राहियों को बुलाया गया है। 5 दिवसीय इनका प्रशिक्षण है। 18/7/2019 से प्रारंभ होकर के 22/7/2019 तक आज समापन है इसका। इसमें 4 पंचायतों को बुलाया गया है, हनुमानगढ़ पंचायत समिति की। इन चार पंचायतों से बुलाया गया, उनमें से 40 स्वच्छाग्राही आए हुए हैं। इन 40 स्वच्छाग्राहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और 5 दिवसीय इनका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में पंचायतों में जाकर के ये एक स्वच्छता का कार्य करेंगे, जिसके ऊपर ODF है, SLRM है, ODF प्लस है, MHM है। इन सब के ऊपर लोगों को जागरूकताएँ लाएंगे और पंचायतों में सफल बनाने की कोशिश करेंगे कि जो भारत सरकार का कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन, को सफल बनाने का प्रयास कर सकें ये लोग। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।